अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है यार तुम सभी लोगों का? है भाई ठीक ठाक हो ना सारे? भाईजान यार पता नहीं रात को क्या वाली भाई घर वापस ही नहीं आए। कह रहे थे मैं कोई अपने दोस्त की गाड़ी रोक गया हूँ भाईजान। अब भाई पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई कितनी सच्चाई नहीं है, लेकिन अली भाई तो भाई रात को घर वापस नहीं आए। ऊपर से मेरी 125 भी उनके पास ही है भाई। 125 का तो कोई मतलब कोई वो नहीं है यार, लेकिन पता नहीं किधर रुक गए थे रात को। आज पता नहीं शायद वापस आएंगे, कह रहे थे वापस आएंगे शायद। फिलहाल भाई मैं तो निकलूँ यार, आज तो भाई आखिरी रोज़ा ठीक है जी, और चांद रात भी होगी इंशाल्लाह आज रात को ही ना। तो कल लगे थे मौलवी शौलवी भाईजान ढूंढना ना अपना चांद, वो मिला ही नहीं उनको कल हैं बस। तो अभी जो है ना जा रहा हूँ मैं ज़रा दुकान पे जाना है एक तो, और भाईजान वो जाना ज़रा इसके पास अपना दर्जी के पास जाना, उसको सिलने के लिए दिया हुआ था यार कुर्ता अपना, पता नहीं सिल के आएगा कि नहीं आएगा इस दफ़ा। लास्ट टाइम भाई इसने ना आप डाल दी थे बीच में ना कि भाई वो अभी अवेलेबल नहीं है, मेरा दर्जी गया हुआ है। हाँ ये अबे ये दुकान नहीं थी, किधर थी भाई? हाँ यही दुकान है। चलो भाई पता करता हूँ जाके से भाई किसका फ़ोन। अबे फ्रैंकलिन भाई यार। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फ्रैंकलिन भाई। यार जानी तू देख ले एक बजने वाला, यार तू किधर गई अभी तक? माइकल आ गया तेरी मेरी पता अच्छा खासा फिर क्या होगा? अरे फ्रैंकलिन भाई समझा करो यार, वो आंख ही नहीं खुली रात को सेरी करके तो करना, लेट सोया था इसलिए। जल्दी आ भाई तू पागल वागल तो नहीं है? आ रहा हूँ आ रहा हूँ बस। अबे यार एक तो फटीके बहुत है ना दुकान की। ठीक है भाई। नहीं भाई नाम मिल गया था भाई आपका। हाँ जी भाई, ओके भाई जी जी। भाईजान आपको कुर्ता सिलने के लिए दिया था मैंने अपना जी। भाईजान नाम क्या आपका? हाँ जी भाईजान साध। भाईजान आपका ना कुर्ता भी सिल के नहीं आया। अरे भाई क्या हो गया, आज चांद रात है भाई, कल ईद है, मैंने कल पहनना है। भाई जान ऐसा करिए आप ना रात को चक्कर लगा लीजिएगा। भाई जी अगर इस दफ़ा भी कोई टोपी कराए ना मैंने केस करवा देना आपके ऊपर। नहीं नहीं भाई आ जाइएगा रात को। चलो ठीक है भाई, ओके भाई जान। भाई लग रहा है मेरे को टोपी कराएगा ये इस दफ़ा भी ना दोबारा से। छोड़ो खैर यार भाई, कल ना शरार्ट निकालूंगा क्योंकि कल ईद है ना, इसलिए शरार्ट ही निकालूंगा। मिल के भी आना ना फिर दोस्तों दोस्तों को। फिलहाल तो भाई दुकान पे निकलते सीधा ही सा, फ्रैंकलिन साहब का फ़ोन आ गया। सही बात भी यार, माइकल अंकल आ गए, उन्होंने मेरी निकाल देनी यार अच्छी खासी ना क्लास ले लेनी उन्होंने मेरी। बे भाई क्या हो गया यार, अपनी दुकान हुआ करती थी, जब मर्जी आओ। हाय भाई वे पता नहीं आज ट्रैफिक है कोई नहीं यार सड़कों के ऊपर, जब तो सारे सो रहे हैं आज तक आ गए क्योंकि रमज़ान ख़त्म होने वाला ना भाई, फिर सोने को थोड़ी मिलेगा, फिर तो भाई सुबह नौकरी होगी और शाम को खाना होगा। हाय मैं तो भाई बहुत मिस करूंगा यार रफ्तारी और शहरी की वाइब्स को, भाई एक अलग ही वाइब्स थी यार। रोज़ सुबह उठो शहरी की अगर जाके दही लेके आओ, दही नहीं मिला तो भाईजान दूध लेके आओ। आए हाय भाई मैं तो मिस करूंगा यार इन वाइब्स को ना। भाई क्या कर रहे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ भाई जी जी सर, ये एक गाड़ी आई थी इसका इंजन ओवरऑल करना था। अच्छा जो वही कर रहा हूँ। अबे पागल इंसान, पहले कभी काम किया भी है इसके ऊपर? नहीं सर। तो क्या क्या कर रहा था अभी? बस सर ऊपर से पेच पूछ खोल रहा था। अबे पागल अगर पेच पूछ घूम गया कहाँ से लगाएगा दोबारा, जब दफाओ यहाँ से। अजीब तू, अबे कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? सर वो सॉरी सर, पीछे हटना, पीछे हट जा तुझे नजर नहीं आ रहा। अबे ये किया क्या तूने पागल इंसान, समझ ही नहीं आ रही तूने कौन कौन से पेच खोल दिए इसके। सॉरी सर। पारा लेके आता इसका? जी सर लेके आता हूँ। अजीब पागल इंसान है ये एक नंबर का। अबे किधर पड़ा है यार? ओ हेलो भाई, तेरे से पारा नहीं निकल रहा? नहीं सर यहाँ पे नहीं पड़ा, वो अंदर से आता हूँ। जल्दी जा लेके अंदर से पागल इंसान। पता नहीं किधर पड़ा हुआ यार, मैं तो अपनी तरह सही खोल रहा था इंजन, इसने आके थप्पड़ क्यों मार दिया मुझे समझ ही नहीं आ रही, इधर ही पड़ा होगा ये रहा। पे यार काश मेरी अपनी दुकान होती। अबे पागल इंसान तूने इसकी सील फाड़ दी है बेवकूफ़ इंसान। नहीं सर पहले की फटी हुई थी। मेरे से तो बोला डर है,
1000 रुपया कट तेरी सैलरी से। जी सर 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 देखे कि 5000 है सर। सुबह लड़ा मेरी, जाके उस गाड़ी पे काम कर। जी सर ठीक है सर। अरे अब इतनी छुट्टी भी मांगनी थी, कैसे मांगूंगा इतनी छुट्टी? साथ बुला रहा है यार, पता नहीं छुट्टी देगा भी कि नहीं देगा। ए यार फंस गया मैं तो। हुआ तो कुछ भी नहीं था गाड़ी को। चलो भाई, वो गाड़ी किसकी है? जी सर वो ना शाम को लेने आया गाड़ी। हाँ ठीक है ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अंदर पार कर देता हूँ ना। ये सही हो गया ना, 1000 रुपया भी काट लिया और गाड़ी भी सही हो गई, प्रॉफिट भी कमा लिया। चलो भाई ओके हो गया ये तो। यार ये बंदा सही मिल गया, जो बात है ना। अब अपनी लाल दुलारी को खड़ा करता हूँ। ये आपके भाई की गाड़ी है भाई, फुल केम्बड़ की है, केम्बड़। इसकी जो नस्लों ने भी देखी होगी ऐसी गाड़ी। चलो भाई ओए सही तरह काम करो। जी सर कर रहा हूँ काम। हाँ चलो भाई, तो काम शाम करना है थोड़ा इसके ऊपर भी ना। मैंने सर वो एक बात करनी थी। हाँ बोल। सर वो ना कल ईद की छुट्टी मिल जाएगी। अबे पागल हो गया क्या, कल रश होगा सारा यहीं पे। तूने भाई दुकान पे रहना है, मैं दुकान पे नहीं आऊँगा। सर वो दोस्त बुला रहे थे। अबे जा बे पागल हो गया, दोस्तों को कहीं दफा हुए। अगर तू छुट्टी लेगा ना तो इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। आया बड़ा। चलो भाई वेखना अपनी गड्डी, इन्हें दिन दी वेखी ना गड्डी चलती मैं अपनी। हाय हाय फाटूना तो मैं राती वेखी थी एक नजर ना, बिल्कुल इन्नी है इन्नी माटी फाटी लगती पी थी ना, पूरा टीन बूट लगती पी थी। हाय 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 यार की लगन रही ने गड्डियाँ हैं भाई। माइकल की गड्डी भी कमाल लेते हो अकबाल है, वेखो लुक का डेट अकबाल प्लेट ब्रो। पाई तेरा की ना है सर? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस। ना डॉक्टर वड़ पटे च। अरे हाय की रिम लगन दे ने यार, मैं तो कहना कमाल हो गई है यार। ओए होए होए मेरी गड्डी। अरे वाह क्या करो यार, अनु राइट लेके जावा एक मिनट। हाय हाय वो भाई साहब की लगन रही है यार। ओए होए 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 ओ तेरी मले गगर पुलिस गया और पुलिस ने फाड़ना मुकाबला हो रहा के और इतने लेके जाना। बल्कि मैं एंड करना घर ही ले जाना यार, फिर मैं तो मल्ला कटोनों निकलेंगे यार। वो काफ़ी दिन हो गए ना टैक्सी कंपनी ने गए ना, आप चल चल लंघ लंघ जा तीनों डब्बिया चलो एनू इतने खिला देना यार। मजा आ गया यार, जो गल यार इस गड्डी ने पैसे पूरे कराते ने ना। चलो भाई हूँ तो मैं आ गया, हूँ तो मैं इस गड्डी अपनी डॉक्टर से और मॉडिफाई करावगा। चल भाई सही हो गया, मतलब पता नहीं कितने अंदर ही होगा है ना। ओए वो गल तेरी ठीक है, लेकिन तू थोड़ा जे साहब लाना यार अली दा भी कुछ। अबू मैं क्यों लगाऊं, मुझे आप ये बात है इन्हें लड़ाई नहीं मुकुटियाँ। यार मेरी बात सुन ले अबू, बात यह है कि अगर अली को रखूँगा तो मैं कहाँ से पैसे कमाऊँगा। वो तो कोई गल नहीं ना, तू थोड़ा जहा कम कमा ले। यार पता नहीं मैसेज किसके आ रहे हैं यार। किंडे आ रहे ने? फ्रैंकलिन के आ रहे हैं, और क्या की कह रहे है? वही स्टॉक भेजा शोरूम का उसने। तू है ना जरा पैसा पूसा कमा रहे थे उन्हें रख रहेगा तो तू की हो जाएगा है? जी भी सही कह रहे हो, वो गलत नहीं कह रहा कुछ। अबू मेरे पास ना इतनी जगह नहीं है शोरूम के अंदर कि मैं बंदों को रख सकूँ। हाँ तू है जी कह रहे, तू आप बाहर निकल जाते नहीं रख लै। यार बच्चों वाली बात ना करो अबू, मैं शोरूम जा रहा हूँ ठीक है, आप जिमी को देख लेना। ओए वो गल सुन ले अबू, टाइम नहीं मेरे पास, जा दवा होने कल गंदी औलाद देगी है। हाँ अब तो मुझे गंदी औलाद कहेंगे और किसको कहेंगे। काफ़ी दिन हो गए यार मार्क टू नहीं निकाली, आज मार्क टू निकाल लेता हूँ। खैर से ये भी उसी अली ने मॉडिफाई करके दी थी इसको। हर बात में अली का नाम, हर बात में अली का नाम। ऐसा भी नहीं कि मैं गाड़ी मॉडिफाई नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ भाई, टाइम मिले तो करूँ ना मॉडिफाई गाड़ियाँ। ओह भाई साहब तो ही लगती है जो बात है। ओह भाई 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 बात से बाहर आओ, बात से बाहर वाली गाड़ी है ये वाली ना।
यार काश पापा मेरी बात मान ले, उनको रख ले यार। यकीन मानो मैं इतना शर्मिंदा हुआ हूँ ना अली भाई की, यार मेरी भाई ने इतनी हेल्प की ना, फ्री में गाड़ी मॉडिफाई करके दी हम लोगों को। लेकिन पापा बात नहीं मानते भाई, मैं करूँ तो करूँ क्या यार, मेरी तो अपनी दुकान कोई है नहीं। बस यार भी वो रात को शिविक भी पापा ने ना ट्रेसी को दे दी यार, मतलब यार मैं ना गुस्से में आया हूँ, थोड़ा पापा ने ना ट्रेसी को बुलाया और उसको दे दी शिविक मेरी। अब वो शिविक भी नहीं रही यार, सुबह से कॉल आई जाने शिविक के और वो गाड़ी भी यहाँ से गायब है यार। अब मैं क्या करूँ समझ ही नहीं आ रही। अच्छा सही है सही है। दादा सर डाबू। हाँ वो कितने पापा मेरे तेरे काम थे क्या जय बताया सर, गाड़ी स्टार्ट करूँ। हाँ करो करो जल्दी करो। चलो ठीक है सर, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। चलो भाई लगता है यार इनका फटा चल रहा है आपस में कोई ना कोई ना। ऐसा करता हूँ गाड़ी से बाहर निकल खड़ा जाता हूँ। जी सर गाड़ी स्टार्ट कर दी है। हाँ चल सही है, आज गड्डी से बैठो जल्दी आओ। मालिक मैं अपनी गड्डी से आ जावा। ओए चुप करके अंदर आके बैठो। चल भाई जल्दी चल। जी सर आ जाए सर। अरे यार मैं अपनी गड्डी से जाना थी सर, मतलब यार मैं अपनी गड्डी कटवा लूँगा यार। इकबाल अंकल चुप करके बैठ जाए ना आप यार, क्या मसला हो रहा है आपको? मेरी बात सुनो जिमी। जी डाबू बताए कार देगा ना आज? हाँ जी घर पर ही होंगे अली भाई। चल सही है, ओए इकबाले उन्हें फोन कर दे। इन्हू मतलब मैनेजर नु फोन करके अच्छी आज नहीं आवेंगे, ईद तो बाद ही आवेंगे। नाली ईद ही कल दो छुट्टियाँ दे दे ठीक है ना सारे नू। हाँ दो छुट्टियाँ यार, मतलब जानी फिर काम खराब हो जाएगा। तू चुप करके दे रहे कि नहीं दे रहा? अच्छा चल मैं दे रहा यहाँ खबर कर। हेलो हाँ भाई जी हाल ठीक ठाक है? हाँ हाँ चांद आज हो होंडे दे पहले पुटर उड़ा था खत्म होंडे। हाँ मेरी गाल सुन है उन्हें छुट्टी दे रहे यार दो दिन की ईद ना कल तो। हाँ ओके ओके लाभ बेटा वो वैसे अगर आप अपने पास रखेंगे तो भी काम ठीक हो जाएगा अली भाई का। आहो यार माइकल रख दे, मैं रख लेंगा ठीक है, ड्राइवर रख लेंगे टैक्सी का। हाँ ये बात लेवल है यार फिर। चलो जल्दी ओए हमने चलाए की ना आंदा बेटा वो पता नहीं क्या नाम है, पता ही नहीं अपना नाम। आखो सुन मैं भी पूछा कह रहा थी आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दिस। आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दिस। ओ यार ये नहीं होता, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दिस होता है। आहो ओए ओए यार ओए ओए जिम पुत्र चलने में छूट छूट ले क्या कल वासे बेटा वो छोड़ो यार, ईद होती है जब बंदा स्कूल में हो। मतलब याद है मैं तो भूल गया अपना छूट है। सर गाड़ी साइड पर रोकूं और रोको रोक मत रोक क्यों भूल गया तू? मतलब जानी यार वो एयरपोर्ट रह गए मेरे सूटकेस से यार। लो हेलो अबे यार अब क्या करना है? ए, मेरा सूट मेरा पाली और तेरा सूट दे रहा है मैंने वड्डा है यार। एक कहता है यार एक बाल तेरे भी डाटा बुक हुआ कि तो बताओ। और यार इंदा सूट सी हो अरबी तो ना लंबा लंबा सूट जड़ा होता है। लंबा लंबा सूट ओ मतलब लंबा यार लंबा जिया जो टंगा भी कवर कर देता है। अच्छा हाँ तो क्या हुआ उसको? वही रो दे ना वाले क्या जनाब भूल गया होते ही। चलो मैं की करूँगा यार इतने हूँ फिर। अरे सर वैसे आ जा दूँ आपको। आप पहुँच जल्दी पहुँच सर। आप ऐसा करें सर आप यहीं से कोई सूट ले लें। गुड आइडिया वेरी गुड आइडिया। चल गड्डी रोक अबे डेढ़ उनको पना करो पहले यहाँ आप। अच्छा पढ़ जाए कबाल जाके पहले इन मिल लीजिए फिर करेंगे। मुझे सारी ये बात सही कह रहे हैं आप। तू चुप कर बड़ा ड्राइवर लग गया तू बड़ा बोलता बोल रहा है यार ये। हाँ देख ले फिर जो भी करना है। हाँ फ्रैंकलिन भाई पता बात क्या है, ये ना वो तेजी होती है गाड़ी ये बस इसकी मॉडिफिकेशन है ना ये उतरवा लूँ तो क्या ख्याल है आपका? नहीं नहीं यार मॉडिफिकेशन बस हमने दिए इसको रहने रहने ऐसे ही रहने भाई। अच्छा हाँ ऐसे ही रहने भाई क्योंकि ना फिर वो पैसे तोड़ेगी गाड़ी। हाँ ये बात तो है यार गाड़ी बाबा मॉडिफाई कराई है अगले ने जिसने भी कराई है। बस यार शौकीन लोग ही होते हैं। चलो मैं और देख लूँ फिर गाड़ियाँ। वो ऐसा कर वो जो खड़ी है ना अपना वो क्या कहते हैं उसे स्विफ्ट उसको देख ले एक दफ़ा। चलो मैं देख लेता हूँ बाकी यार नई नई गाड़ी आई हैं ये करोला तो भाई जान एक बिक गई है बीच में से ना और ये स्विफ्ट भी नहीं आई है ये वाली ना बाकी ये मैंने मॉडिफाई करके खड़ी कर दी थी कल ना ये वाली स्विफ्ट थी भाई जान वो ना
फ्रैंकलिन अंकल कह रहे हैं, मतलब फ्रैंकलिन भाई कह रहे हैं कि यार एक दफा गाड़ी देख ले, कोई मसला मुसला ना हो, कस्टमर आ जाएगा लेने गाड़ी ना, इंजन भी सही साफ लग रहा है बिल्कुल ना। चलो भाई ये तो सही हो गया। अब बाकी यार ये सिविक भी तक नहीं गई, लगता लोग ना गाड़ी लेके भूल ही जाते हैं भाई देना वापस। हाय हाय यार, अब कोई गाड़ी है ही नहीं मॉडिफाई करने के लिए, तो बंदा करे तो करे क्या। फ्रैंकलिन भाई, ओ फ्रैंकलिन भाई, गाड़ी में मसरूफ है यार ये तो। फ्रैंकलिन भाई, हाँ हाँ एक मिनट रुक जा, जानी इसको मैं बंद कर दूँ पहले। हाँ कर दो कर दो। हाँ बोल। अब यार आप मुझे बताओ अगली गाड़ी कौन सी छेड़नी है यार। यार अगली गाड़ी कौन सी छेड़े, मेरा कहने का ख्याल है कि इसकी करोला खड़ी है ना, करोला, इसका तेल शेल चेक कर ले। हाँ सही कह रहे हो वैसे आप, क्योंकि यार ये यूज़ में आई है, कोई पता आता पता नहीं ट्रेल का क्या सीन है क्या सीन नहीं है। हाँ सही तो कह रहे हो यार, चेक कर लेता मैं वैसे। ये कल वो तू तो निकल गया था रात को, ये देख टिंट लगी है, टिंट हटा दे गाड़ी के ना। हाँ अच्छा चलो ठीक है, टिंट हटा देता हूँ, और बाकी गाड़ी को चेक चेक कर ले। और यार बाकी हाँ भाई, मैंने अपनी गाड़ी मॉडिफाई करानी है, कर देगा यार, कल ईद है ना इसलिए। हाँ इतनी जल्दी कैसे मॉडिफाई होगी भाई, रिम्स मंगा ली गाड़ी के ना, बस वो रैप करना है, रैप भी मेरे को पड़ा हुआ, सिल्वर रैप करना है। अच्छा सिल्वर रैप करना है, हाँ हाँ हो जाएगा रैप पड़ा हुआ कब अभी। हाँ पड़ा तो हुआ, लेकिन फिर वो एक तू अकेले कर लेगा रैप। फ्रैंकलिन भाई अकेले तो करूँ नहीं, कर नहीं सकता मैं भाई, वो बंदा साथ लगा दूसरा जो रिसेप्शन में बैठा हुआ है। चल मैं उसको भी बुला लेता हूँ, लेकिन हो जाएगी गाड़ी। हाँ हाँ हो जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। चल तू काम कर इसका, ठीक है मैं गाड़ी लेके आया अंदर। ठीक है जाओ गाड़ी ले आओ आप। हाँ हाँ मैं लेके आया अभी, इसको भी बोल दो ना भाई कि यार ये अपना देख ले थोड़ा रैप शैप करना गाड़ी को। बाकी यार ये टाइप आर शाइप आर ये सिविक शिविक सारी आई हैं, अभी बस काम चाम चल रहा है, सोच रहा हूँ कल ना ईद के लिए ऊपर कोई ऑफर लगा दूँ। ओ भाई जय सर बताएं सर, जय सर बताएं सर। वो यार वो ना मेरी गाड़ी रैप होनी है अभी, तो तू आ जाएगा। जी सर अभी पर थोड़ा डाटा एंटर कर रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर, फारिक हो तो मैं चला जाऊँगा सर, हेल्प कराना उस बंदे की। चलो ठीक है यार, गाड़ी लेके आता हूँ मैं अपनी ना फिर जाके। शुक्र है यार फाइनली गाड़ी मॉडिफाई होगी मेरी अब। चलो भाई देखते हैं भाई इसके इंजन में क्या मुसीबत है। फ्रेंडली भी कह रहे थे इसका इंजन ऑयल चेंज करना है, इंजन ऑयल चेंज कर लेते हैं भाई गाड़ी का। लेकिन यार अली भी का फोन ही नहीं आया भाई, अभी किसका फोन आ रहा है। हेलो जिमी का फोन है। हेलो जिमी। हाँ जानी किधर है तू। जानी मैं दुकान पे, वो तेरे अबे की दुकान पे, और किधर रहूँगा। अबे यार वो दरवाजे को नहीं खोला टेढ़े घर का। आप तो क्या जीने खोलेंगे भाई। हैं अली भी किधर है। जानी वो अली भाई ना कर रात से घर पर नहीं है, पर बल्कि सुबह से घर नहीं, कल सुबह से घर नहीं आए। रात भी मैंने भाई जान सेरी अकेले की और अफ्तारी भी अकेले की थी कल। क्यों भाई किधर गए हैं वो, घर छोड़ के चले गए क्या। नहीं नहीं जानी कह रहे मैं अपने दोस्तों घर चला गया हूँ अपने, वो काम शाम मिल गया कुछ सैंडे शोर में, पता नहीं ऐसे कह रहे थे कुछ। बे पगलेट उनका नंबर दे मुझे। अबे तेरे पास है तो सही, वो चल नहीं रहा भाई। हैं एक मिनट रुक मैं तुझे फ़ोन करता हूँ। अबे क्यों नंबर नहीं चल रहा यार इनका। हैं फ़ोन करता हूँ यार अली भाई को। तुम जाए लेकिन उसको सार दो, समझ ही नहीं आती बात यार, मैं फिर सख्त हूँगा फिर ये भूलेगा यार साथ। बे यार इसको मैं भूलता हूँ जाके। साद ओ साद ओ साद भाई हेलो। जे फ्रैंकलिन भाई। यार फोन रख भाई, तू क्या पागल पागल तो नहीं है। ये लो यार रख दिए, क्या हो गया, मुसीबत थोड़ी आ गई कोई। बे यार माइकल आ गया, उसे मेरे बना देनी दोबारा से। यार सारा मुसीबत पै गई ना जिमी सानू। यार बेटा वो मुंह यहीं पे होंगे, तू भी अजीब बंदा यार, पीछे हटो। अब फटून डाल चक्कर पे वाटा यार, तो रोड़ा भी रखे मैं तेरा, लोहे ना कमजोर रखे चक्कर पे गया तू, रोड़ा खराब हो गया तेरा। नहीं मन लिया वो गल नहीं जानी, थले आओ जल्दी नाल। एक गड्डी देख लोती है, पता नहीं कितने गायब हो जाए हैं। और यार ये स्कूल की गाड़ी नहीं है, शहर की गाड़ी है ये, तो नाले साग थे क्या है। अरे माइकल दुकान से गए होगा ना। हाँ डब वहीं पे गए हैं, सारा मूड खराब कर छड़े मेरा। ये सर गाड़ी निकालूं पीछे हट तू, मैं अभी गाड़ी चला लूँगा। अरे अरे सर बच बैठू बच बैठू है ये सर। आओ सर डब यार माइट यार जिम्मी पहले देख लिया कर तू यार, कोई आ जाओ है। हम जाएंगे सर, आ रहा हूँ सर। अजीब यार डब्बू काम खराब होगा छाड़ा। पहले कोई नहीं कोई नहीं, मतलब पहले एंड कर मैं सूट देख लेने यार। वो सूट का कुछ छड़ तू, टाइम वेक ही हो गया, 3 बज गए ने। ते फिर हुन हुन की हुन कार चलो तू सीधा जाग, जब सारी बनाना तो सारी करने है राति चांद रात देखी है पुत्र। अरे मतलब मेरा सूट कोई नहीं आई पानी कल। अरे नहीं नहीं यार चुप कर जाए, पता नहीं फोन भी लग रहा। अजीब मेरी गाल सुन छाड़ दो ना पीछा, वो
अपने दोस्त घर गए ना कि सारे तेन क्या दोस्त घर गए बेटा वो दोस्त उनका कोई है नहीं और हर हजार गाड़ी मार दी मेरे प्यो की गड्डी है गड्डी मार दी मेरी गड्डी समझ आई मारा मैं जो मर्जी करा बकवास बंद कर दू अली भाई फोन नहीं उठा रहे बेटा तू यार छड़ दे पीछा हुंदा जिमी चलो यार अफतारी का सामान भी सारा ले आया हूँ आज इनको अफतारी लास्ट यहीं पे दे दूँगा क्योंकि यार अफतारी का टाइम भी हो ही गया फिर यहाँ से चांद रात में मैंडा वगैरह को लेके निकलना बाहर तो मैंने कहा यहीं पे आया था सीधा बाकी पता नहीं ये लोग किधर हैं फ्रैंकलिन ओ फ्रैंकलिन पता नहीं ये लोग किधर हैं यार गायब दोनों साथ फ्रैंकलिन यार इनका कोई ना कोई हिसाब लगाना पड़ेगा ओ भाई जी जी सर अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम कितने दोनों ये सर वो पता नहीं गाड़ी की बात कर रहे हैं कोई किधर हैं ये लोग अरे माइकल जानी कैसे किधर है तू वो कुछ नहीं यार गाड़ी मॉडिफाई हो रही भी तो था पीछे अच्छा वो अफतारी का सामान ले आया मैं सारा इधर ही अफतारी कर लो आज ठीक है तीनों तो मेरी भी करना यहीं पे चल ठीक है जानी हाँ जल्दी कर लो ओके यार साध साध जल्दी आओ अफतारी का सामान निकाले गाड़ी से चलो भाई शुक्र है यार मेंडा का फोन क्या कर रहा है अब हेलो अस्सलाम वालेकुम मेंडा वालेकुम सलाम माइकल किधर हो काम पे आया हूँ और किधर हूँगा माइकल मेरी बात सुनो हाँ बोलो मैं कह रही थी कि यहाँ चांद रात है तो ना ट्रेसी भी कह रही थी कि वो मेहंदी लगवानी है यार आप लोगों के पास गाड़ी है तो चले जाओ ना ट्रेसी को मैंने कल ला के दी सिर्फ एक वो कह रही है कि पापा के साथ जाने में ज्यादा मजा आता है पे यार मेरे पास टाइम नहीं है मेंडा चुप करके आए ड्रामे कर रहा तो तुम्हें से बात करी तो अच्छा आ जाऊंगा फोन रख बे यार इज्जत ही कोई नहीं मेरी बस यार अभी इफ्तारी की है यार अभी बस जाना पड़ेगा दोबारा से काम के ऊपर यार जो बात है ना यार वो बंदे पैसे बहुत काट रहे हैं मेरे अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार अली भाई आपने गाड़ियां बेची हैं किधर गए वो पैसे यार वो पैसे आ तो गया लेकिन मैं उनको खुद खर्चना नहीं चाह रहा फिलहाल घर चर भी देना छोटा मोटा इतने पैसे तो वो आगे नहीं है यार कुछ दुकान का किराया शराया भी निकल जाएगा कुछ छोटी मोटी दुकान देख लूँगा फिलहाल इससे किराया इससे गुजारा करूँगा जो ये पैसे देगा मैंने फिलहाल इसको इसलिए जॉब कर लिया कि थोड़े बेशक कम भी पैसे दे रहा है लेकिन ना ये दे तो रहा है कम अज़ कम और सोने की जगह भी मिल रही है मैं कब तक साथ और जिमी के ऊपर बोझ बना रहूँगा वो लोग भी मेरे पर ना तंज करते हैं मतलब मेरे पर ना वो तरस खा के मुझे ना वो लोग रख रहे थे अपने पास फ़ायदा क्या था अबे सर बारी खड़े हैं अबे इतनी देर लगा दी तूने जी 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 सर जी सर इतनी देर लगा दी तूने पागल है तू सर वो क्या सर वो जी जी भाई वो ना अपना वहाँ पे लाइन बहुत थी बे बेवकूफ़ इंसान 6:30 बजे रोज़ा खुलता है 8 बज गए 8:30 हो गए पागल हो गया तू 3 घंटे 2 घंटे लगा के आया तू सर सॉरी सर ये ले सर 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 बड़ी बल लाएगा तू है ये ले अरे सर मारगुरे सर मारगुरे सर भाई बात सुन लो सर मेरी बात सुन ले आइंदा लेट होगा तू मैं दुकान तेरे पे छोड़ के जा रहा हूँ तू लेट आ रहा है यहाँ से अरे भाई माफ कर दो तो माफ कर दे हाँ माइकल बता यार तूने कोई मीटिंग करनी थी हाँ तो देखो यार अब आज ना आखिरी रमज़ान था और ख़त्म हो गया और माशाल्लाह कल ईद भी है तो तुम सब लोगों को पहले तो मेरे साथ जाम मुबारक आज जी चांद मुबारक माइकल भाई सर बोलो जी जी माइकल सर चांद मुबारक अच्छा और दूसरी बात यह है कि यार वो अपना शोरूम पे अब कल से सेल आएगी तो कल कस्टमर बहुत आएगा तो तुम सब लोगों को छुट्टी मुट्टी चाहिए थी ना वो तुम लोग ऐसा करना कि तुम लोग ना शाम को चक्कर लगाना शोरूम के ऊपर कल पूरा दिन ना शोरूम के ऊपर लोग रहेंगे चलो ठीक है माइकल सर हाँ भाईजान तुम भी इधर उधर देख रहे हो जी सर मैं तो हूँगा ही सर इधर और माइकल मैं भी यार सुबह जाना चक्कर चुक्कर लगाना फिर मैं वापस आ जाऊँगा हाँ ठीक है इस साहब को क्या हुआ है
कुछ नहीं माइकल सर, वो बस अली भाई नहीं मिल रहे। एक तो फिर अली भाई, क्या हो गया तुम लोग, पागल वागल तो नहीं हो गए? अजीब हो। अच्छा यार बात कंटिन्यू कर माइकल तू। और दूसरा मैं कह रहा था कि यार कल ना सेल वगैरह लगानी है, तो उसके बारे में तुम लोग सोच के आना। वो मैंने सोच लिया, वो माइकल वैसे आपस की बात है। शाट है शाट। ओ भाई किसने कह दिया? वे भाई उनका मोबाइल कब से बंद किया है भाई? आओ तो जी दोस्त के घर पे होंगे ना। अबे जल्दी आ जा, क्या अपना कहीं मड़मड़ाना गए हो? अरे खुदा को मान जल्दी आ भाई, चले हम लोग। आ रहा हूँ सबर कर आ रहा हूँ, जल्दी आके बैठो। अरे यार फंस गया आज मैं। वे क्या कर रहा है यार ये? जल्दी चला गाड़ी, चला जल्दी चला यार। अली भाई को कुछ हुआ ना हो बस यार। ओ भाई खुदा को मान चांद रहा आज तू ड्राई जा रहा मुझे जिमी। ओ नहीं भाई वाकई सुबह से नोट कर रहा हूँ भाई, अली भाई का फोन बन जा रहा है भाई जान, कहीं चले तो नहीं गए कहीं भाई? पता नहीं यार मुझे तो कैसे, मैं किसी नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ।